यह कहानी है एक ऐसे शख्स की जो एक नहीं दो नहीं तकरीबन 436 लोगों की जान लेने वाले आदमखोर बागनी का शिकार किया था। यह कहानी है जेम्स जिम कॉर्बेट की। जिम कॉर्बेट का जन्म नैनीताल में हुआ था। जिम कॉर्बेट एक कुशल शिकारी के साथ साथ लेखक और दार्शनिक भी थे। कहा जाता है कि जिम कॉर्बेट भारत के सबसे बड़े शिकारियों में से एक थे। जिम कॉर्बेट अपने जीवन काल में लगभग 300 से अधिक बाघ और आदमखोर तेंदुओं का शिकार किए थे। कहा जाता है कि भारत के उत्तराखंड में जब भी किसी बाघ या तेंदुओं का आतंक फैलता था तो इन्हें शिकार करने के लिए बुलाया जाता था। लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में जिन बाघ और तेंदुओं का शिकार करते थे वे उनका संरक्षण करने लगे थे। चलिए जानते हैं इनका बाघों के प्रति लगाव कैसे बढ़ा और क्यों यह बाघों का संरक्षण करना शुरू कर दिए। बात आज से 100-125 साल पहले की है। नेपाल में एक बाघिन ने बहुत ही आतंक मचाया था। वहां पर उस बाघिन ने सैकड़ों लोगों को मार डाला था। तो एक दिन नेपाल के लोगों ने उसे घेर कर वहां से भगा दिया। वह बाघिन काली नदी के रास्ते भारत के नैनीताल में प्रवेश कर गई। यहां प्रवेश करने के बाद इसने यहां भी बहुत आतंक मचाया। लगभग 300 से अधिक लोगों को अपना निवाला बनाया। अंत में इस बाघिन को मारने की जिम्मेदारी जिम कॉर्बेट को सौंपी गई। जिम कॉर्बेट ने जब इस बाघिन का शिकार किया और उस बाघिन के पास जाकर उन्होंने देखा कि इसका आगे का दांत टूटा हुआ है, जिस कारण से यह बाघिन आसान शिकार ढूंढती थी और मनुष्य से आसान शिकार इसे मिलना बड़ा ही मुश्किल होता था। यहीं से इनका बाघों के प्रति हृदय परिवर्तन हो गया। इन्हीं के नाम पर उत्तराखंड के रामनगर में जिम कॉर्बेट की स्थापना किया गया है। साथ ही उनके आवास नैनीताल के काला ढूंगी में आने वाले पर्यटकों को उनके जीवन का ज्ञात करवाता है, जो न केवल एक शिकारी थे बल्कि एक संरक्षण भी थे, साथ में चमड़े का कार्य करने वाला भी थे और एक अच्छे जंगली जानवरों का फोटोग्राफर भी थे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, एक ओर जहां पूरी दुनिया ऊंची ऊंची इमारतें बनाने की होड़ में लगी हुई है, वहीं अफ्रीका का तंजानिया क्षेत्र आज भी लगभग वैसा ही है जैसा लाखों साल पहले था। यहां सेरेंगेटी नामक राष्ट्रीय उद्यान है। भले ही ये इलाका आधुनिकता का चोला ना ओढ़ पाया हो, लेकिन प्रकृति की चादर आज तक ओढ़े हुए है, जिस वजह से यहाँ भांति भांति के जीवों का घर है। इनमें से एक जीव है चीता।